हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम सूजी और आलू से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता तैयार करेंगे, जिसे बच्चों के टिफिन के लिए या उन्हें छोटी मोटी भूख के लिए आप इसे झटपट से तैयार कर सकते हैं। और ये खाने बहुत ही क्रंची होते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है ये नाश्ता। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम 1 चम्मच इसमें डाल रहे हैं तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तो ऑयल जो हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई। राई को चटकने देंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा। इन दोनों को अच्छे से पहले हम थोड़ा सा चटकने देंगे। हम डालेंगे इसमें सफेद तिल। इन तीनों का स्वाद बहुत ही टेस्टी आएगा हमारे नाश्ते में। अभी हम थोड़ा सा भून लेंगे। हम डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च हम बारीक काटेंगे, छोटे छोटे बारीक काटेंगे। हरी मिर्च जो है वो तीखी लगी नहीं है। हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। पानी डाल रहे हैं। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे, क्योंकि पानी में जल्दी उबाल आने के लिए गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। इसमें हम डाल देंगे घर की कुटी हुई लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक। अभी इन्हें जल्दी से उबाल आने तक छोड़ देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, पानी में अच्छे उबाल आ गए हैं। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली है, जिससे हमने 2 कटोरी यहाँ पे पानी डाला था। तो यहाँ पे जो सूजी है वो बारीक वाली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है, तो आप उसे मिक्सर में 2 से 3 बार अच्छे से ग्राइंड करके चला लीजिए, तो बारीकी हो जाएगी। सूजी हमें एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे चलाते रहना है। एक हाथ से डालना है, एक हाथ से लगातार इसे चलाते रहना है। हमें इसे तब तक लगातार चलाना है जब तक ये डो जैसा तैयार नहीं हो जाता। और जो सूजी होती है वो बहुत ही जल्दी पानी एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पे देखिए, लगातार चलाते हुए सूजी जो हमारा वो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे से। तो ये देखिए, कढ़ाई से भी अच्छे से छूटने लगा है, छोड़ने लगा है कढ़ाई को अच्छे से। देखिए, हमें इसे लगातार चलाना है। गैस का फ्लेम जो हमने मीडियम रखा है, ये देखिए लगातार चलाते हुए एकदम डो जैसा ये तैयार हो गया है। और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे ठंडे होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक थाली में इसे निकाल लिया है ठंडे होने के लिए। तो हम इसे इस तरह से फैला के ठंडा कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए, सूजी जो है हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। बहुत हल्का सा गर्म है, बाकी ठंडा हो गया है ये। और यहाँ पे देखिए, हमने 2 आलू को पहले से ही बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। हम इसलिए ग्रेट करेंगे इसे, ताकि जब हम नाश्ता बनाएंगे सूजी के, तो इसमें जब हम कोई भी शेप देंगे तो उसमें कोई भी चंक्स ना आए। इसलिए आलू को हम अच्छे से पहले ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को देखिए, हमने ग्रेट कर लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल लगा के हम इस डो को चिकना कर लेंगे। थोड़ा सा और तेल लगाएंगे हाथों में। इस तरह से इस डो को हम चिकना कर लेंगे अच्छे से। तो अब देखिए, डो को अच्छे से हमने चिकना कर लिया है। अब हम थोड़ा सा 1 चम्मच उठा रहे हैं हाथ, देखिए इस तरह से। फिर ऐसे हाथ में लेंगे, फिर एक प्लेट लेंगे। इस पर हम ऐसे देखिए रोल जैसे बनाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए रोल जैसा बनाने के बाद हम इसे बीच से चाकू से कट कर लेंगे, इस तरह से देखिए कट कर लेंगे, दो भागों में कट हो गई है। फिर हम इसे हल्का सा इस तरह से दबा दबा के चिकना कर लेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो देखने में भी सुंदर हो, खाने में तो बहुत ही टेस्टी है ये। देखिए इस तरह से हम इसे चिकना कर लेंगे, देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए सभी जो नाश्ते हैं हमने सभी को अच्छे से सेप में बना लिया है, इस सेप में हमने बनाया है। अगर आप चाहें तो किसी और भी सेप में बना सकते हैं, गोल में या लंबे में, लेकिन मैंने इस तरह छोटे छोटे में सेप में बनाया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो हमने देखिए वापस से फिर से कढ़ाई को चढ़ा लिए, तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, क्योंकि नाश्ता जो है उसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। ऑयल को गर्म होने देंगे, तो ऑयल जो है हमारा वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो हमने ये बनाया है सूजी का नाश्ता, हम उसे डालेंगे इसमें। देखिए हमने डाल दिया है सभी नाश्ते को अच्छे से, तो अब हम इसे पकने देंगे। गैस का फ्लेम जो है हमने हाई नहीं रखा है, मीडियम रखा है ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो इन्हें अभी पकने देंगे 1 मिनट तक। तो ये देखिए थोड़े एक तरफ अच्छे से सिक गए हैं, तो अब इन्हें आसानी से हम धीरे धीरे पलट लेंगे। इस तरह से हम सभी को पलट लेंगे। देखिए हल्दी से सिक गए हैं, तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही क्रंची क्रंची से बने हैं। जिस तरह से मैंने बताया इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। अगर हमारे वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। थैंक यू। इसका टेक्सचर मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे ये क्रंची क्रंची से बने, बहुत ही अच्छे बने हैं ये। देखिए एकदम अच्छे बने हैं ये, अंदर तक भी अच्छे से पक गए हैं ये, और खाने में बहुत ही चटपटे हैं ये, बहुत ही अच्छा है ये। Thank you.